नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज कोरोना वायरस के नए मामलों की पुष्टि हो रही है। अब सरकारी दफ्तरों में भी कोरोना वायरस अपनी पहुंच बनाने लगा है। इस बीच झारखंड के सीएम आवास में 17 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। झारखंड मुख्यमंत्री आवास में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज पाए जाने से हड़कंप मच गया है। झारखंड सीएमओ के एक साथ 17 लोग कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के ड्राइवर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद सीएमओ में एहतियातन सभी लोगों की जांच कराई गई, जिसमें 17 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें, इसमें सचिव रैंक का एक अधिकारी, कुक, ड्राइवर, आवास में काम करने वाले अन्य कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। मुख्यमंत्री आवास को इसकी सूचना दे दी गई है। साथ ही इन संक्रमितों के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों की सूची मांगी गई है, ताकि उनकी भी जांच कराई जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दोबारा कोरोना की जांच कराएंगे। वहीं कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बाल बाल बचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार पर एक बार फिर से कोरोना का संक्रमण का खतरा नजर आ रहा है। बता दें कि झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। झारखंड में अब तक 12,500 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं राज्य में 115 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान जा चुकी है। फिलहाल राज्य में 7,700 से ज्यादा एक्टिव केस है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।